तो यस बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। एंड अब आपके एग्जाम्स यहां पर पूरे हो चुके हैं, सो मेनी कांग्रेस फॉर दैट। जितने भी हमारे फाउंडेशन इंटर फाइनल स्टूडेंट्स हैं, आप सबके पेपर फाइनली कंप्लीट हुए, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। एंड एग्जाम्स कैसे रहे, एग्जाम कितने टफ आए थे, कोई मैं कहूंगा एक स्पेसिफिक एग्जाम था जो आपको लगा टफ था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्पेसिफिकली अगर मैं लॉ के पेपर की बात करूं, तो लॉ इज माय एरिया, तो लॉ का पेपर आपका कैसा आया था, लॉ के पेपर में आपको पेपर अटेम्प्ट करने में कितनी दिक्कत आई, या कोई एरिया जो आपको डिफिकल्ट लगा हो, या पेपर बहुत आसान लगा हो, जैसा भी पेपर था मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जाम्स हमने बहुत मेहनत करी थी, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, आप पिछले एक डेढ़ साल से पढ़ रहे थे। अगर मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो पिछले ढाई तीन साल से वो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपकी वो मेहनत फाइनली कितनी काम आई। एंड जो स्पेसिफिकली अगर हम रिविजनरी सेशंस की बात करें, तो हमने कुछ रिविजनरी सेशंस आपके दिसंबर अटेम्प्ट के लिए लगाए थे, जिसमें आपका सी एंटर का कंपनी लॉ का मैराथन था, जिसमें मैंने आपको एक पहली बार 100 EFQs की लिस्ट दी थी। आज तक मैं कभी भी बच्चों को 100 EFQs की लिस्ट अलग से प्रोवाइड नहीं करता था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने आपको टॉप 100 एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन की एक लिस्ट दी थी। तो प्लीज मुझे बताना वो लिस्ट आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, एंड उस लिस्ट से आपको क्या लगा आपके पेपर में कितने मार्क्स आए। लाइकवाइज जो भी क्वेश्चन हमने अपनी मैराथन में डिस्कस किए वो कितने हेल्पफुल थे। लाइकवाइज जितने भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी हमने कुछ रिविजनरी वीडियोस यहाँ पर डाली थी, जिसमें आपका सीए फाइनल का डायरेक्टर्स था, सीए फाइनल का पीएमएलए था, उनके कुछ रिविजनरी वीडियोस हमने दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए लॉन्च करी थी अलॉन्ग विद दी समरी नोट्स। तो वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे वो मुझे जरूर बताना। और अगर आपके पास कुछ फर्दर इनपुट्स हैं कि आगे आने वाले अटेम्प्ट में हमारे जूनियर्स के लिए आप सर ये एक्स्ट्रा और कर सकते हो जिससे स्टूडेंट को और बेनिफिट होगा, तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं, जहां तक भी पॉसिबल होगा वील ट्राई टू हेल्प। सर आज की वीडियो हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों अब आपके पेपर पूरे हो चुके हैं, क्रिसमस एंड न्यू ईयर इज अराउंड, तो आप पार्टी तो अच्छे से करिएगा, बट न्यू ईयर पे मैं अपनी तरफ से लेकर के आ रहा हूँ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी, बिकॉज दिस वॉज अ ड्रीम अनाउंसमेंट फ्रॉम मी। एंड मैंने अपना पिछला भी जो एक डेढ़ साल है, जितना भी लॉकडाउन का टाइम गया या अदर वे अराउंड जो मेरे पास भी स्पेयर टाइम था, मैंने पूरा इस चीज के लिए लगाया, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिएगा, आप सबका प्यार चाहिएगा जैसा आपने हमेशा दिया है। तो ये अनाउंसमेंट क्या है मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आई लेट यू डू द गेस वर्क। तो आपको क्या लगता है कि वो बड़ी अनाउंसमेंट क्या होगी, एंड सर क्या अनाउंसमेंट लेकर के आने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर गेस करें। ठीक, तो मैं वेट करता हूं, देखता हूं क्या गेसेस मेरे पास आते हैं, और बहुत जल्दी मैं ये अनाउंसमेंट आपके आगे लेकर के आऊंगा। तो एंजॉय द टाइम गाइस, पार्टी हार्ड, एंड विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर, एंड विश यू ऑल द सक्सेस। टेक केयर, बाय बाय।